वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक गुडेशिया। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 3D पार्ट मॉडलिंग इन ऑटोकैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में। ऑलरेडी मेरे वीडियोस आप लोगों ने पहले देखा हुआ है कि जिसमें हमने 2D ड्राफ्टिंग लर्न किया है, पूरे वीडियोस लर्न किए हमने, कंप्लीट लर्न किया और आपकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे। आई होप आने वाले जो वीडियोस रहेंगे हमारे 3D ड्राफ्टिंग के, ये भी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएंगे एंड आई विल गिव माय बेस्ट। डेफिनेटली मैं अपना पूरा देने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपको क्या करना है, पूरे वीडियोज़ देखना है, पूरे वीडियोज़ ऑनलाइन देखना है आपको, और ऑनलाइन देखने के बाद में मुझे उसके ऊपर कमेंट करनी है, चाहे वो अच्छी कमेंट हो या फिर आपके सजेशंस हो, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर सकती हो मुझे। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली आज हमारा 3D ड्राफ्टिंग। सो 3D ड्राफ्टिंग जब हमको करना होगा किसी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सबसे पहले हमको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ बेसिक्स कमांड्स देखेंगे, देन विल जंप टू द नेक्स्ट। जो हमारे एडवांस कमांड्स रहेंगे वो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे विद एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज के साथ भी देखेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इसका जो हमारा 2D वर्क स्पेस है, तो 2D वर्क स्पेस के बारे में तो आपको पूरा पता ही है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, सो अभी क्या होता है कि जब भी हमको 2D ड्राफ्टिंग, अभी जैसे जब हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोकैड स्टार्ट करने के बाद में आपके सामने जो वर्क स्पेस जो दिखाई देता है, जो वर्किंग प्लेस जो दिखाई देता है जिसके ऊपर एक्चुअल में हम वर्क करते हैं, तो वो दिखाई देता है। देखो यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से पता है कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन क्या होता है। तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन में हम 2D ड्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन हमको 3D ड्राफ्टिंग करना है, तो 3D ड्राफ्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राफ्टिंग एनोटेशन के बाद एक ट्रायंगल दिखाई देगा, इस ट्रायंगल पे क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करो। जैसे आप 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करोगे तो जो 3D मॉडलिंग का वर्क स्पेस रहेगा वो आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा। ये सारे टूल्स है इसके अंदर अवेलेबल, वन बाय वन आपको सारे टूल्स के बारे में भी बताऊंगा मैं, और जो इसके अंदर सेटिंग्स करने हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहला सेटिंग, जब भी आप 3D मॉडलिंग स्टार्ट करते हो यहाँ पर, ठीक है, आपको 3 बटन इसके अंदर हमेशा से ऑन रखना है। कौन कौन से बटन, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो ग्रिड है इसका, ठीक है, ग्रिड डिस्प्ले उसको ऑन रखना है। देन नेक्स्ट वाला जो टूल रहेगा दैट इज ऑर्थो मोड, इसको भी ऑन रखना है आपको। ऑर्थो मोड ऑन रखने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर एक टूल है विद द नेम ऑफ डायनामिक इनपुट। ये डायनामिक इनपुट वाला टूल आपको ऑन रखना है इसको। ऑन रखने के बाद में इसके अंदर एक, देखो यहाँ पर एक टूल दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये चार जो टूल है कंपलसरी आपको जब भी आप 3D मॉडलिंग करो इसको ऑन करके रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कि कौन कौन से टूल्स ऑन करके रखना है इसके अंदर। ये टूल्स ऑन करने के बाद में क्या होगा कि जब हम ऑटोकैड 3D जब इसके अंदर कौन सा भी ड्राइंग बनाने वाले हैं, ठीक है, तो हम कौन से प्लेन में बनाने वाले हैं वो डिपेंड करेगा कि हमारा ड्राइंग कैसा है। फिलहाल में जो हमारा वर्किंग स्पेस है वो टॉप व्यू में, हम अभी फिलहाल में जो हमारे सामने वर्किंग स्पेस है ये हमारा टॉप व्यू है। ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो ये कौन सा व्यू बता रहा है यहाँ पर, टॉप व्यू। अब हमको क्या करना होता है, अभी जब हम टॉप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं एक बार, तो देखो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो गया। लिस्ट ओपन होने के बाद में आपको अलग अलग व्यूज दिखाई देंगे, अलग अलग प्लेन्स दिखाई देंगे, जैसे टॉप प्लेन हो गया, बॉटम प्लेन, लेफ्ट प्लेन, राइट प्लेन, फ्रंट प्लेन एंड द बैक प्लेन। ये अलग अलग प्लेन्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते ज्योमेट्री को देख सकते हैं कि उसका राइट लेफ्ट बॉटम फ्रंट बैक ये पूरा उस ज्योमेट्री का देख सकते हैं हम। ठीक है, इसी के साथ में देखो यहाँ पर जो एक्चुअल में हम जो 3D में वर्क करते हैं, सो एक्चुअल में जब 3D में वर्क होगा हमारा, दैट वी विल वर्क इन द SW मीन्स साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। जो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक का जो प्लेन व्यू रहेगा हमारा, उस व्यू में हम हमेशा से देखने वाले इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर आ गए, ऑटोकैड स्टार्ट करना है हमको, अभी 3D स्टार्ट करना है, तो 3D स्टार्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लिमिट सेट करो एज यूजुअल, जो हमको हमेशा से लिमिट लगते हैं। लिमिट एंटर किया हमने यहाँ पर, लिमिट एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर 500x500 का लिमिट ले लेता हूँ। ठीक है, जस्ट 500x500 का इसलिए लेना है ताकि हमको ज्योमेट्री, हमारी पूरी ज्योमेट्री उसके अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट सबसे पहले हम लोअर लेफ्ट कॉर्नर से लेकर करेंगे 0 टैप 0, एंटर किया, देन 500 टैप किया, वापस से 500 एंटर कर दिया है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने हमने पिछले वीडियोस के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पर यूनिट सेट करेंगे, UNIT टाइप करना है आपको, एंटर करना है। यूनिट टाइप करने के बाद में आप यहाँ से 000 ले लोगे डेसिमल, देन यहाँ से आप मिलीमीटर सेलेक्ट करोगे, मिलीमीटर सेलेक्ट करने के बाद वापस यहाँ से 00 सेलेक्ट करोगे एंड देन इसको ओके कर देना। ये आपको बहुत अच्छे से पता है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड 3D के अंदर क्या करना है। देखो सबसे पहले तो करना क्या है हमको, यहाँ से टॉप प्लेन जो प्लेन दिखा रहा है हमको, सबसे पहले हम प्लेन चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर प्लेन के एक प्लेन पर क्लिक करेंगे, प्लेन पर क्लिक करने के बाद में SW आइसोमेट्रिक सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ से कौन सा, SW आइसोमेट्रिक, इसको सिलेक्ट किया। देखो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो आपका जो ये ग्रिड प्लेन जो दिखाई दे रहा है,
ठीक है। अभी ये कौन सा है, एस डब्ल्यू, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये इधर से एस दिख रहा है और ये डब्ल्यू दिख रहा है, मतलब साउथ एंड वेस्ट के डायरेक्शन में हम यहाँ पर ड्राइंग क्रिएट करने वाले। तो ये साउथ वेस्ट हो गया यहाँ पर, इसके साथ में साउथ वेस्ट का प्लेन हमने ओपन कर दिया। अब इसके अंदर जो भी हम ज्योमेट्रीज बनाने वाले, तो हम ज़्यादातर क्या करेंगे कि शॉर्टकट्स यूज़ करने वाले, जो शॉर्टकट कीज़ रहती है वो यूज़ करेंगे। मैं साइमल्टेनियसली आपको शॉर्टकट कीज़ भी बताता रहूँगा कि कौन से टूल्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की हमको यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। सो एक हो गया हमारा जो क्यूब रहेगा, हम ज़्यादातर क्यूब को नहीं यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हमारा जो वर्किंग स्पेस जो दिया है यहाँ पर, इसी को यूज़ करना है हमको, ताकि आपको ये ईजी जाए, क्योंकि वो यहाँ से अगर हम इसको यूज़ करते तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो ओके, अभी हमने क्या किया, आइसोमेटिक प्लेन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आइसोमेटिक प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, 2D वायर फ्रेम जो रहेगा उसको चेंज करके रखना है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये अलग अलग अपियरेंस है हमारे ऑब्जेक्ट का, जैसे कि 2D वायर फ्रेम हो गया, कंसेप्चुअल हो गया, देन हिडन हो गया, देन रियलिस्टिक हो गया। इसको अगर एक्सप्लेन करना है मुझे तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ कि जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं सबसे पहले, तो जैसे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर, सर्टन एक हाइट पे मैंने एक बॉक्स बना लिया यहाँ पर, इतना सपोज एक बॉक्स बनाया मैंने, ठीक है। सो आप अगर ये बॉक्स को देखोगे तो ये कौन सा ज्योमेट्री हमारा, दिस इज दी वायर फ्रेम ज्योमेट्री, ये हमारा वायर फ्रेम ज्योमेट्री। हमको क्या करना है, इसके अलग अलग हम 2D 3D जो रहता है हमारा, तो 3D के अंदर हम क्या करते हैं, इसी ज्योमेट्री को अलग अलग शेप में देख सकते हैं। जैसे कि हमने 2D यहाँ से सिलेक्ट किया, हमको अगर इसको कंसेप्चुअल डिज़ाइन में देखना है तो इसको कंसेप्चुअल डिज़ाइन में इस तरह से देख सकते हैं हम इसको, ये इसका अपियरेंस है कि इस तरह से अपियर कर सकते हैं हम इसको यहाँ पर। देन इसके बाद में यहाँ से हम इसको हिडन कर सकते हैं। हिडन में क्या होगा कि जो हमारी आइसोमेटिक जो हिडन लाइन रहती है वो हिडन लाइन यहाँ से चली जाती है और कंप्लीट हमको जो हमारा ज्योमेट्री है वो हिडन हिडन में दिखाई देता है। आप यहाँ से रियलिस्टिक अगर लोगे तो रियलिस्टिक के अंदर ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। देन इसी के साथ में यहाँ पर अभी शेडेड रहेगा, शेडेड अगर सेलेक्ट करोगे तो शेडेड के अंदर क्या होगा कि ज्योमेट्री जैसा हमने पहले देखा रियलिस्टिक में वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये थोड़ा शेडेड रहता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट रहेगा कि शेडेड विद द एजेस। अभी शेडेड विद द एजेस के अंदर क्या है कि ये जो लाइन्स है हमारी, ये एजेस दिख रही है आपको यहाँ पर, ये एजेस क्या होगी, यहाँ पर शेडेड दिखाई दे, मतलब ऑब्जेक्ट तो शेडेड है उसी के साथ में एजेस भी दिखाई दे रही है हमको। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा शेडेड ऑफ ग्रे, ग्रे कलर में हमको क्या दिखाई देगी, ये जो शेडेड किया हुआ एरिया उसकी जो एजेस रहेगी वो ग्रे कलर में दिखाई देगी। मतलब क्या है कि हम हमेशा से जब ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो उसको देखते हैं हमेशा से शेडेड ऑफ ग्रे में, ठीक है। सो हमेशा से शेडेड ऑफ ग्रे में देखना है, या फिर अगर आपको इस तरह से स्केची देखना होगा ज्योमेट्री को, देन इसके साथ में वायर फ्रेम में देखना है तो वायर फ्रेम में देख सकते हैं, या फिर इस तरह से इसके अंदर क्या अलग अलग अपियरेंस ये है, इसको एक्सरे में देखना है तो इसको एक्सरे में इस तरह से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग क्या करेंगे, शेडेड ऑफ ग्रे कर देंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले शेडेड ऑफ ग्रे हो चुका है हमारा। अभी ये होगी हमारी बेसिक सेटिंग्स जब हमको ऑटोकैड स्टार्ट करना होगा 3D स्पेशली। सो अभी यहाँ पर हमारा ऑटोकैड स्टार्ट हो गया, हमने सारी सेटिंग्स इसके अंदर कर लिए, लिमिट यूनिट सेट कर दिया है पूरा, और जो टूल्स हमको ऑन रखने वो टूल्स हमने ऑन रख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि इसके अंदर हमको दो टूल्स दो टूल्स देखने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रहेगा हमारा एक्सट्रूड टूल और दूसरा रहेगा सेकेंड नंबर का हमारा प्रेस पुल टूल, ठीक है। एक क्या रहेगा एक्सट्रूड एंड दूसरा प्रेस पुल टूल, ठीक है। सो ये दोनों भी टूल्स को काय के लिए यूज करना है हमको, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन समझो कि दिस बोथ टूल्स आर यूज टू ऐड द मटेरियल एज वेल एज टू रिमूव द मटेरियल। किसी भी ज्योमेट्री से मटेरियल ऐड करने की या फिर उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू यूज द एक्सट्रूड टूल, एक्सट्रूड टूल किस तरह से हमको यहाँ पर यूज करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक यहाँ पर सपोज सर्कल बनाना है, तो देखो जब हम सर्कल हमको क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी टाइप करेंगे, यहाँ पर सी टाइप किया, सी फॉर सर्कल, और इसको एंटर किया। डायरेक्ट एंटर करने के बाद में ये पूछेगा आपको स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, डायरेक्ट आपको सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है, और सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद में आपको इसका रेडियस देना है। रेडियस सपोज मैं यहाँ पर 200 देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर सर्कल बना लिया है। अब इस सर्कल को क्या करना है मुझे, इस सर्कल के अंदर मटेरियल ऐड करना है, मतलब इसको एक्सट्रूड करना है। इस सर्कल के अकॉर्डिंगली मैं इसके अंदर मटेरियल कैसे ऐड करूंगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड टूल। सो देखो एक्सट्रूड टूल यहाँ से एक्सट्रूड सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड सिलेक्ट करने के बाद में जो ज्योमेट्री रहेगी आपको उस ज्योमेट्री को एक बार सिलेक्ट करो इस तरह से। जैसे ज्योमेट्री सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री सिलेक्ट करने के बाद में एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके आप माउस को अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये मटेरियल ऊपर के डायरेक्शन में ऐड करेगा, या फिर अगर आप इसको नीचे के डायरेक्शन में मूव करो तो मटेरियल नीचे के डायरेक्शन में ऐड होगा, जो हमने ग्रिड लाइन जो सिलेक्ट किया, जो प्लेन सिलेक्ट किया हमने उस प्लेन के अकॉर्डिंगली। सो हम क्या करते हैं अभी इसको हाइट दे देते हैं यहाँ पर,
सपोज हाइट मैंने यहाँ पर 400 दिया है, दिस इज 400 हाइट टाइप किया मैंने, उसको एंटर कर दिया। देखो यहाँ पर आपके पास में एक 200 इतना रेडियस एंड हाइट 400 इतना यहाँ पर क्यूब रेडी हो गया विद प्रॉपर मटेरियल एंड द शेडेड मटेरियल, जिसको हम 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसी के साथ में सपोज अगर अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेडी होगा, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको पैन करना है तो सिंपल आप माउस का मिडल बटन को इस तरह से मूव करोगे तो ये पैन हो जाएगा। इसी के साथ अगर इसको रोटेट करके देखना है या फिर इसको ऑर्बिट करके देखना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट बटन प्रेस करोगे, उसी के साथ में माउस का जो मिडल बटन रहेगा उसको प्रेस करोगे और आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से मूव करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने, एक साथ में क्या करना है आपको, शिफ्ट बटन प्रेस करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके माउस का जो मिडल बटन रहेगा उसको प्रेस करना है और जस्ट माउस को मूव करना है। तो आप इस तरह से ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और अगर इसको पैन करना है इस तरह से ऑर्बिट कर सकते हैं, और इस तरह से अगर आपको पैन करना है तो पैन करने के लिए मिडल माउस बटन आपको प्रेस करना है और जस्ट इस तरह से पैन करना है। तो ये हो गया हमारा माउस का यूज। अब इसी के साथ में अगर सपोज मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल का जो शॉर्टकट हम हमेशा से यूज करते हैं वो रहेगा हमारा REC टाइप करो। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल आ गया, इसको एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद में पूछेगा कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, ये फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करता हूँ, इसको मूव करता हूँ। अब सपोज मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है विद द डायमेंशंस 200x200 या फिर 300x300 का एक स्क्वायर बना लेता हूँ मैं। सो 300 किया मैंने, टैप किया, वापस 300 टाइप किया, एंटर कर दिया। अब देखो 300x300 का एक स्क्वायर बन गया। इसमें अगर मटेरियल ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वापस एक्सट्रूड सिलेक्ट करो, देन ज्योमेट्री सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री की जो आउटर बाउंड्री रहेगी वो सिलेक्ट करना होती है यहाँ पर, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया वापस। एंटर प्रेस करने के बाद में ऊपर के डायरेक्शन में जितना मटेरियल आपको ऐड करना है उतना मटेरियल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर मटेरियल ऐड करता हूँ फिलहाल में 250 टाइप किया और ये मटेरियल यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्कल लेकर इसको क्या कर सकते हैं, मटेरियल इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो हमने रेक्टेंगल देख लिया, सर्कल देख लिया, उसी तरह से अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करना है सपोज, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, एल टाइप करोगे, एल टाइप करना है और एंटर करना है। विद द हेल्प ऑफ लाइन मैं एक ज्योमेट्री बनाता हूँ यहाँ पर, ये एक ज्योमेट्री बनाई मैंने यहाँ से, जैसे इसका डायमेंशन दे देता हूँ मैं यहाँ पर सपोज 300 एंटर किया मैंने, देन राइट साइड में मैं वापस इसको मूव करता हूँ, 300 लेता हूँ मैं, ये ले 300 एंटर करने के बाद मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ तक, ये यहाँ तक ज्वाइन कर लिया और उसको एस्केप किया मैंने। अब देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब भी आप एक्सट्रूड, अगर आपके पास में टूल है, अगर किसी ज्योमेट्री को एक्सट्रूड करना है तो उसकी जो लाइंस रहेगी दैट शुड बी कम्प्लीटली ज्वाइन होना चाहिए। देखो यहाँ पर लाइंस कैसी है, सारी अलग अलग लाइंस है, तो ये क्या अब एक्सट्रूड नहीं होगा। अब इसको क्या करना है कि ये ज्योमेट्री को, ये सारे लाइंस को एक दूसरे के साथ में हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी देखो इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं, अब मुझे क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है यहाँ पर इस लाइन को। तो क्या करना है, सिंपल इस यहाँ पर जे टाइप करो, जे फॉर ज्वाइन, जे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं जितनी ज्योमेट्री है आपकी उस पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो, इस तरह से ज्योमेट्री सिलेक्ट की, ये सेलेक्ट नहीं हुई अभी वापस से, देन जे टाइप करो, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं पूरी ज्योमेट्री इस तरह से सेलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद में इसको एंटर कर दो यहाँ पर। अब अगर आप चेक करोगे तो आपकी जो जो तीनों भी लाइंस रहेंगे, तीनों भी लाइंस क्या होगा यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होगी, मतलब एक कंप्लीट ज्योमेट्री बन गई। नाउ यू कैन यूज दी एक्सट्रूड टूल, अभी यहाँ पर एक्सट्रूड टूल यूज कर सकते हैं। एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट किया हमने, देन ज्योमेट्री सिलेक्ट की, ज्योमेट्री सिलेक्ट करने के बाद में एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद ऊपर मूव करो, ऊपर मूव करने के बाद में आपको यहाँ पर जितना भी डैमेज, जितना भी हाइट चाहिए उतना हाइट में आप 250 इतना हाइट ले सकते हैं। एंटर किया, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कौन से भी ऑब्जेक्ट के अंदर मटेरियल फिल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं और एक चीज़ बताता हूँ आपको यहाँ पर, देखो अभी देखो ये दो टूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक बार लर्न हो गए तो आपको आगे के कमांड बहुत इजीली लर्न हो गए, ठीक है। सो चलिए अभी इसी के साथ में और एक कंसेप्ट इसके अंदर लर्न करते हैं। मैं दो सर्कल एक दूसरे के अंदर ड्रॉ करता हूँ, जैसे अगर मैंने सपोज सी टाइप किया, एंटर किया, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया, वापस सी टाइप किया मैंने, देन एंटर किया, देन अगेन इसका जो सेंटर रहेगा यहाँ से एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। अब देखो अगर सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर एक्सट्रूड करता हूँ तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का एक्सट्रूड सेलेक्ट करना है, सिंपल यहाँ पे ज्योमेट्री सिलेक्ट की या फिर यहाँ पे ज्योमेट्री सिलेक्ट की। अगर मैं ये वाली ज्योमेट्री सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये वाला एक्सट्रूड होगा, और अगर ये ज्योमेट्री सिलेक्ट की तो पूरी ज्योमेट्री एक साथ में एक्सट्रूड होगी। जैसे इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, देखो ऊपर आ गए, यहाँ पर हाइट दिया सपोज इतना, ये आपका ज्योमेट्री रेडी हुआ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार, एक्सट्रूड सिलेक्ट किया वापस, देन इनर जो ज्योमेट्री रहेगी उसको सिलेक्ट किया,
एंटर प्रेस किया, देखो इनर स्लीव जितनी जो ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे उस ज्योमेट्री का वहाँ पर 500 हाइट इतना यहाँ पर इस तरह से आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर सपोज मुझे इसको समथिंग कुछ अलग हाइट में एक्सट्रूड करना है तो आप देखो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सट्रूड सेलेक्ट किया हमने, एक्सट्रूड सेलेक्ट करने के बाद में ये वाली ज्योमेट्री सेलेक्ट की, एंटर प्रेस किया, अब इसको हम अलग से हाइट दे सकते हैं। यहाँ पर इतना हाइट दी हमने सपोज, और इतना हाइट देकर आप इसने इसको एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पर। सो क्या होता है कि जब जो जो ज्योमेट्री हम पहले सेलेक्ट करेंगे उस ज्योमेट्री को हम उतने हाइट तक एक्सट्रूड कर सकते हैं अगर वो इनर ज्योमेट्री है। आउटर ज्योमेट्री को अगर पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हम तो पूरा पूरी ज्योमेट्री एक साथ में क्या हो जाएगी, वहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगी। तो ये था हमारा एक्सट्रूड टूल, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कौन से भी ज्योमेट्री के अंदर मटेरियल फिल कर सकते हैं जो कि कंप्लीट, जो कि ज्योमेट्री कंप्लीट है, एक्चुअल जो ज्योमेट्री कंप्लीट है उसके अंदर मटेरियल को हम यहाँ पर पूरा फिल कर सकते हैं। अब इसी के साथ में हम देखेंगे कि एक्सट्रूड टूल के अलावा हमारे पास में जो अगला टूल दिया है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्रेस पुल टूल क्या रहता है, ठीक है, अगर इसको अगर मुझे यहाँ पर एक्सट्रूड करना है, अगर ये टूल किस तरह से यूज़ करना है वो देखते हैं अभी हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो मैंने REC टाइप किया, यहाँ पर REC टाइप करके यहाँ पर एक सपोज इतने हाइट का समथिंग कुछ तो भी डायमेंशन दिए मैंने, जैसे हम हमेशा डायमेंशन देते हैं, इतने हाइट का मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, वापस और एक रेक्टेंगल मुझे ड्रॉ करना है। सो मैं REC टाइप करूँगा, REC फॉर रेक्टेंगल, यहाँ से सपोज मैंने इस तरह से एक और एक रेक्टेंगल बना लिया है। सो ये रेक्टेंगल बनाने के बाद में मुझे क्या करना है, इसके अंदर मटेरियल फिल करना है। सो देखो अगर सपोज मुझे मटेरियल सिर्फ इतना फिल करना है, कौन सा, जो ये जो स्पेस दिख रहा है, दो सर्कल या फिर दो रेक्टेंगल या फिर दो ज्योमेट्री के बीच में अगर सपोज मुझे मटेरियल फिल करना है तो वो मटेरियल फिल करने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ से ये वाली कमांड, प्रेस पुल टूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सट्रूड टूल यूज़ करता हूँ तो देखो क्या होगा, एक्सट्रूड सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, देखो एक्सट्रूड सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री सिलेक्ट की और इसको एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो क्या करेगा ये कंप्लीट उसको जितना हाइट में रहेगा पूरी ज्योमेट्री को क्या करेगा, एक्सट्रूड करेगा। इस तरह से मुझे इतना ज्योमेट्री एक्सट्रूड नहीं करना है, सिर्फ इनर जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला जो इनर पोर्शन है, ये दोनों के बीच में मटेरियल फिल करना है मुझे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर मटेरियल फिल करना होगा तो उस टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से प्रेस पुल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो प्रेस पुल सेलेक्ट करना है। अभी देखो पहले हम क्या करते थे कि ज्योमेट्री की आउटर बाउंड्री सिलेक्ट करते थे या फिर इनर ज्योमेट्री सिलेक्ट करते थे, अब वैसे नहीं करना है। जब आप प्रेस पुल सेलेक्ट करोगे, जब यूज़ करोगे तो उस टाइम इनर पोर्शन सिलेक्ट करना है। देखो अभी ज्योमेट्री का इनर पोर्शन सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करके आप इसको जूम आउट करो, थोड़ा जूम इन करो इसको, देन आपको जितना हाइट रखना है यहाँ पर उतना हाइट पर इसको आप ले सकते हो। जैसे मैं 600 टाइप कर देता हूँ, एंटर किया, देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ज्योमेट्री को यहाँ पर एक्सट्रूड करके रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में और एक एग्जांपल देखेंगे हम, सर्कल का सी टाइप करना है, एंटर करना है, सी टाइप करके एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर एक और एक सर्कल बना लेता हूँ, वापस से सी टाइप करके एंटर किया, देन सेकेंड सर्कल क्रिएट करना है यहाँ पर, ये सेकेंड वाला सर्कल क्रिएट किया। अब देखो अगर सपोज मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, सो इतना पोर्शन में अगर सपोज मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना है यहाँ पर एक्सट्रूड करना है, तो इतने पोर्शन में मैं ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर लूँगा यहाँ तक, देन सेकेंड वाला इसको अगर एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पर इसको यहाँ तक के प्रेस पुल कर सकता हूँ, एक्सट्रूड नहीं प्रेस पुल कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अभी बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें जो है कि विद द हेल्प ऑफ हम यहाँ पे पुल प्रेस पुल टूल से भी कर सकते हो, अगर हमारे पास एक्सट्रूड टूल नहीं भी रहता है तो हम प्रेस पुल टूल जो रहेगा इससे हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। बट बहुत सारी फीचर्स ऐसे हैं कि जो हम एक्सट्रूड टूल से नहीं कर सकते, दैट कैन ओनली बी परफॉर्म बाय यूजिंग द प्रेस पुल टूल, ठीक है, ये टूल से हम इसको कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, कि जैसे अगर सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन कमांड लिया, एल कमांड लेता हूँ मैं यहाँ पर, लाइन कमांड से मैं इसको डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे इधर इधर सपोज मैं यहाँ पर 800 नहीं, इसको 500 करते हैं हम, इसको 500 टाइप किया मैंने यहाँ पर, 500 टैब हॉरिजॉन्टल लेना है मुझे वापस से, 500 देन अगेन 500 देन अगेन इधर से 500 लेता हूँ मैं, एंटर किया, इस तरह की मैंने एक ज्योमेट्री बनाई। अब अगर मैं इस ज्योमेट्री को डिवाइड कर देता हूँ, जैसे सपोज वापस एल लेना है मुझे यहाँ पर, एल लेने के बाद में ये लाइन लिया हमने यहाँ से, इनको ज्वाइन कर दो, वापस एल कमांड लिया हमने, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर हम एक्सट्रूड टूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक्सट्रूड टूल होगा ही नहीं, अगर होगा तो क्या करेगा, सिर्फ एक बॉक्स से उसको एक्सट्रूड कर देगा। देखो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, वैसे तो पहले होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी जो सारी लाइन्स है वो लाइन्स कैसी है, अनएक्सप्लोडेड है, ये पूरा कंप्लीट कैसा है, एक्सप्लोडेड है, सॉरी ये तो एक्सप्लोडेड होने की वजह से यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, मटेरियल ऐड नहीं करेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सारे चारों भी बॉक्सेस के अंदर अलग अलग मटेरियल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सपोज इसको पुल प्रेस पुल सेलेक्ट किया, प्रेस पुल सेलेक्ट करने के बाद इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है, इसको ऊपर इतने हाइट पर लेकर जाना है, वापस इसको सेलेक्ट किया,
इसको इतने हाइट तक लेकर आया मैं, देन वापस इसको सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ तक ऊपर लेकर गया और यहाँ तक इसको सिलेक्ट करने के बाद में अगर मैं नीचे के डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो ये क्या करेगा, मटेरियल नीचे के डायरेक्शन में ऐड करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में अगर मैं ले जाता हूँ तो इसको ऊपर के डायरेक्शन में मटेरियल को ऐड करेगा। जैसे अगर सपोज मैं इसको और जूम कर लेता हूँ थोड़ा और यहाँ तक मटेरियल ऐड करता हूँ, आप इस ज्योमेट्री को रोटेट करके देख सकते हो। एस्केप किया मैंने यहाँ से, क्या करना है शिफ्ट प्रेस करना है और मिडल माउस बटन प्रेस करना है आपको, और इस तरह से इसको रोटेट करके देखना है। देखो हमने क्या किया, अलग अलग डायरेक्शन में इसको मटेरियल को ऐड कर दिया है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि अगर प्रेस टूल जो रहेगा हमारा, ये वाला जो प्रेस पुल टूल जो रहेगा, तो उसका यूज़ करके हमको हमको स्पेशल कोई ज्योमेट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी भी सरफेस को भी अगर सपोज हमको मटेरियल ऐड करना है तो उस सरफेस में हम डायरेक्टली मटेरियल ऐड कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी परफॉर्म बाय यूजिंग द X2 टूल। X2 टूल क्या करता है, सिर्फ एक ज्योमेट्री के अंदर मटेरियल को ऐड करता है। जब हम एक्चुअल एक्सरसाइज देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसका जो यूज़ है हमारा प्रेस पुल टूल का, तो उसका देखो किस तरह से यूज़ रहेगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर मुझे मटेरियल ऐड करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से प्रेस पुल टूल सेलेक्ट करूँगा और ये वाला सर्फेस सिलेक्ट करूँगा। ये सर्फेस सिलेक्ट करके देखो मैं इसके अंदर मटेरियल और ऐड कर सकता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर मटेरियल ऐड होता हुआ, कितना ऐड करना है, सपोज मुझे यहाँ से मटेरियल इसके अंदर 200 इतना ऐड करना है, 200 टाइप करके एंटर करो, तो देखो आप इसको रोटेट करके देख सकते हो कि जो इसके साइड्स दिए हुए हैं, ठीक। क्या करना है रोटेट करने के लिए, एस्केप करो पहले तो, देन शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद में मिडल माउस बटन प्रेस करो। अब देखो आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा, ये दिख रहा है यहाँ पर इसका हाइट ज़्यादा हो गया और इसका हाइट कम था, जो हमने ऑलरेडी कम लिया था यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर सपोज मुझे इसके अंदर अगर चेंजेस करने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखो अब अगर सपोज यहाँ इसमें का कौन सा भी सरफेस के अंदर मुझे ज़्यादा मटेरियल ऐड करना है, फिर उस सरफेस को पुल करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पुल कमांड मैं इसको पुल कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, इसको सेलेक्ट करने के बाद में जिस सरफेस को आपको पुल करना है वो सरफेस सिलेक्ट करो, इसको आगे मूव किया, वापस इसको इधर डायरेक्शन में मूव करना है, इसको मूव करो इस डायरेक्शन में, इसको हाइट बढ़ाना है, यहाँ से थोड़ा और इधर बढ़ाना है, इसको और इधर इंक्रीज़ करना है आपको सपोज, देन यहाँ से अगर आपको ये सरफेस का और हाइट क्लियर करना है या फिर इसका और हाइट आपको ज़्यादा चाहिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ज्योमेट्री के अंदर मटेरियल को फिल कर सकते हो, ठीक है। सो सी ये हो गया हमारे आज, ये देखा हमने कि किस तरह से हम यहाँ पर पुल प्रेस पुल कमांड यूज़ कर सकते हो। सो गाइस जब भी हम 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैक्सिमम हमको जो यूज़ करना पड़ता है दैट इज़ द प्रेस पुल टूल, इस टूल का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई होप आज का जो हमने देखा कि सेटिंग्स किस तरह से करना है, बेसिक सेटिंग्स, और ये दो टूल्स हमने डिस्कस किए, X2 टूल एंड दी नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रेस पुल टूल। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि लोफ टूल क्या रहेगा, रिवॉल्व टूल क्या रहेगा, स्वीप टूल क्या रहेगा, देन इसी के साथ में हमको देन बॉक्स कैसे क्रिएट करना है, सिलेंडर कौन, इस तरह से ये सारे टूल्स हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल का जो आने वाला लेक्चर रहेगा, तो कल के लेक्चर में मैं पहले आपको एक्सरसाइजेस दूंगा, आपको वो एक्सरसाइजेस पहले पूरी करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स, जो टूल्स हमने लर्न किए हैं, और ये टूल के बाद में फिर जो आने वाला जो लेक्चर रहेगा, आने वाला जो वीडियो रहेगा, उसके अंदर आपको फिर लर्न करना होगा अगले वाले कमांड्स। तो धीरे धीरे हम इस तरह से लर्न करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जिनको कोई भी कमेंट्स है मुझे कमेंट करो। Thank you for watching this video. Have a nice day. See you in the next video.